हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वह अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, यानी कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं जिनसे आपका कनेक्शन है, वह अपने मित्रों से या फिर अपने बहुत ही करीबी लोगों से आपके बारे में अगर कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं, क्या शेयर करते हैं। ओके, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ ये रीडिंग व्यूअर्स सभी जोडियक साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपकी कोई भी उम्र हो। ओके, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग व्यूअर्स टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल या बहुत महीनों या बहुत हफ्ते बाद भी पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं आपका, तो आइए चलिए देखते हैं कि वह अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस टैग, ओके, कि वह अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। वह अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। वह अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या कहते हैं। कार्ड अनफोल्ड हुआ है व्यूअर्स, यस। Spirits, please guide us. ब्यूटिफुल व्यूअर्स। चलिए पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, विच इज़ ओके, एक से ज़्यादा अनफोल्ड हुए हैं तो मैं एक से ज़्यादा कार्ड्स पिक नहीं करूँगी। ओके, ये वाला कार्ड अनफोल्ड हो रहा है। दिस इज प्लीज गाइड अस। वाओ, जस्ट वन मोर कार्ड एंड वी आर डन। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देख के बताते हैं कि वह अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि वो आपकी कहीं ना कहीं व्यूअर्स तारीफ़ करते हैं। यस, वो ये तारीफ़ करते हैं आपकी कि आपको ये चीज़ पता है कि कैसे प्रेजेंट में जिया जाता है, कैसे फ्यूचर की चिंता किए बिना, पास्ट का दुख मनाए बिना कैसे प्रेजेंट में जिया जाता है, कैसे लाइफ को, लाइफ के रियल मीनिंग में कैसे लाइफ को इंजॉय किया जाता है, कैसे एवरी मोमेंट को यू नो खुल के जीना चाहिए,
कैसे कोई टेंशन फ्री होके जीता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करता है, अपने सारे काम भी करता है, अपने सारे कर्म भी करता है, फिर भी अपनी लाइफ को कितना खुल के इंजॉय करके जीता है कोई इंसान, ऐसा वो आपके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि आप इस तरीके के पर्सन हो, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, जो सिर्फ हर एक पल को जीना चाहता है, जिसे आज और कल की चिंता नहीं है, बस वो इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि आप फुल ऑफ लाइफ पर्सन हो, बहुत इंजॉय करते हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, अपनी लाइफ को इंजॉय करना जानते हो और चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को इंजॉय करो। यस, दैट्स ब्यूटिफुल। साथ ही साथ व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि हमें जितना भी समय मिला है पर्याप्त नहीं मिला है, यानी कि इट्स नॉट इनफ। ये उनका चैनल मैसेज है कि हमें जितना भी समय मिला है इट्स नॉट इनफ। वो आपके साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं और रात के समय आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ गलत मत लीजिएगा इसका मतलब, इसमें बस ये है कि वो चाहते हैं कि चांदनी रात हो और आप लोग एक डेट पर हो, या आप लोग बातें कर रहे हो, किसी पिकनिक पर हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। और मैसेज भी यहाँ ये है कि मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी स्पेंड क्वालिटी टाइम दोज वी आर इन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स विद लिसनिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। तो वो आपको सुनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुनो, आप दूसरे से, एक दूसरे से आप दोनों बातें करो। तो उनकी एक विश हो सकती है, या कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो जाता है कि यार हमने थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए था एक साथ, या और करना चाहिए, हम इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं साथ में। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ये विश है, उनकी उनके मन में ये बात है कि उन्हें आपके साथ थोड़ा समय और बिताना है। दे नीड मोर टाइम विद यू, अकेले में। ऐसा नहीं है कि आपके भी फ्रेंड्स साथ में हो, उनके भी फ्रेंड्स साथ में, कोई साथ में आया है, ये बहुत सारे लोग आसपास हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, नहीं, वो आपके साथ अकेले में समय बिताना चाहते हैं। और ये बात वो अपने फ्रेंड्स को कई बार बोल भी चुके हैं कि हमें अकेले में टाइम ही नहीं मिलता यार, मिला ही नहीं है कभी टाइम अकेले में। हम चाहते हैं कि हम अकेले में बात करें तो हमारी रियल सेल्फ जो है वो बाहर निकल कर आएगी, कि हम रियल में एक दूसरे के लिए जेन्युइनली क्या फील करते हैं, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, लाइफ गोल्स क्या हैं, क्या हम चाहते हैं, क्या हमारा विजन है, ठीक है, इंटेंशंस क्या है, सब चीज़ एक दूसरे से खुलकर आप तभी बात कर पाओगे जब कोई कोई आसपास ना हो या बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो आप। तो वो यही चाहते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को बोल भी चुके हैं ये। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो आपको किस करना चाहते हैं, या उन्होंने बताया कि उन्होंने आपको किस किया है। वैसे ये वाली बात कोई बताने की नहीं है या डिस्कस करने की नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई उनका काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो जो अपनी भी बातें उनसे शेयर करता हो, तो शायद इन्होंने शेयर इसलिए कर दिया हो, या अपनी इच्छा बता दी हो कि मुझे किस करना है, या मुझे हाथ पर किस करना है, या मुझे हग करना है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट किस, ये फिजिकल टच के बारे में है कि वो आपको टच करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, अपनी आर्म्स में, अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, कडल करना चाहते हैं। तो बहुत ही क्यूट सी फीलिंग है यहाँ पर उनकी, जो वो अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं कि व्यूअर्स उनको आपको फिजिकली टच करना है। और हो सकता है कर लिया हो तो वो शायद ये भी शेयर करते हैं कि उन्होंने आपको फिजिकली टच किया था और वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था, बहुत ही, मतलब वो शायद अपने दोस्त को ये भी बोलते हूँ कि ये मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं सकता हूँ या भूल नहीं सकती हूँ, मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल, इतना मैजिकल मोमेंट था जब किस हुआ था, या टच किया था, या हग किया था, वॉट एवर इट वॉज, इवन इवन अगर आप लोग इंटीमेट भी हुए थे तो भी वो आपके पर्सन के लिए इतना मैजिकल मोमेंट था कि वो उनको, उनके चेहरे पर, उनके फेस पर हमेशा स्माइल आ जाती है जब भी वो उस मोमेंट को याद करते हैं, उनका चेहरा ना खिल उठता है, वो मुस्कुराने लगते हैं जब भी वो उस पल को याद करते हैं। सो वो आई एम सॉरी, तो वो अपने फ्रेंड को, हो सकता है वो ये बता रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड को ये भी बोल रहे हैं कि यार वो बहुत खूबसूरत है, या फिर वो बहुत हैंडसम है। तो कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती के चर्चे ज़रूर कर रहे हैं आपकी खूबसूरती के चर्चे कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको आप इतने गुड लुकिंग लगते हो, इतने मेस्मराइजिंग, इतने अट्रैक्टिव लगते हो कि वो बोले बिना किसी को रह नहीं पाते कि मेरा जो पार्टनर है या मेरा जिसके साथ कनेक्शन है वो बहुत ही गुड लुकिंग है। और कभी कभी तो ये ऐसा भी कर रहे हैं कि ये आपकी फ़ोटो दिखा रहे हैं किसी को कि देखो ये कितने गुड लुकिंग है, देखो ये कितनी अच्छी दिखती है, आपको पता है मेरे पार्टनर कितने अच्छे दिखते हैं, ये देखो मुझे
हाँ मैं दिखाता हूँ आपको उनकी पिक, या मैं दिखाती हूँ पहले उनकी फोटो, देखो कैसे दिखते हैं। तो इस तरीके से शायद वो आपकी फोटोज भी अपने फ्रेंड्स को दिखा देते हैं, शेयर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, तो सबको पता चले कि आपकी कि आप इनके पार्टनर हो या इनके कनेक्शन में हो या इनसे प्यार करते हो, सबको पता चले कि इतना गुड लुकिंग इंसान इनके साथ है। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को दिखाते भी हैं, थोड़ा शो ऑफ भी करते हैं इस चीज़ का कि अगर आप गुड लुकिंग हो व्यूअर्स, तो वो लोगों को दिखाते हैं ये बात। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को ये सब शेयर कर रहे हैं व्यूअर्स, साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड्स को ये बोल रहे हैं कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। यस, या फिर वो अपने फ्रेंड्स को ये बोल रहे हैं कि यार मैं उनके साथ आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाता या कर ही नहीं पाती, इतना इंटेंस लगता है, इतना अंदर से ना बेचैनी सी होने लगती है, इतना इंटेंस आई कांटेक्ट होता है कि मैं उनके साथ आई कांटेक्ट कर नहीं पाता हूँ या कर ही नहीं पाती हूँ, मैं उनकी आंखों में देख ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकती, ऐसा कुछ। साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि व्यूअर्स आप, लेकिन ना आप में ये बात अच्छी है कि आप जीवन को जीना जानते हो, बहुत ही फ्रेंडली हो, बहुत ही खुश मिजाज हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड्स को ये बोल रहे हैं कि आपका ये जो फ्रैंक और फ्रेंडली नेचर है, कभी कभी लोग इससे आपको जज कर लेते हैं, लोग सोचते हैं कि आपके कैरेक्टर में कोई फ्लॉ है, कैरेक्टर लेस हो, कैरेक्टर में कोई फ्लॉ है आपके, लोग ऐसा जज करने लगते हैं, बिकॉज यू यू बिकम फ्रेंड्स इजीली विद पीपल, यू यू गेट फ्रेंडली विद पीपल इजीली। तो जिस तरह से आप लोगों के साथ फ्रेंडली और फ्रैंक हो जाते हैं, यस दैट यू आर वेरी फ्रेंडली, यू आर वेरी फ्रैंक विद पीपल, लोग सोचते हैं कि आप थोड़े ठीक नहीं हो, यहाँ पर तो आप हर किसी के साथ इतने फ्रैंक हो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि लोग आपको जज करें, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सिर्फ एक प्लेफुल पर्सन हो जो अपनी लाइफ को खुशी के तरीके से जीना चाहते हैं, इंजॉय करते हुए। और अगर इंजॉय कर रहे हैं तो हम सबसे भी खुश होकर बात करेंगे, तो अगर सामने वाला इसको जज करके कैरेक्टर में कोई फ्लॉ समझे, तो वो उसका नजरिया में प्रॉब्लम है, उसके परस्पेक्टिव में प्रॉब्लम है, देर इज नो फ्लॉ इन योर कैरेक्टर, यू आर कम्प्लीटली फाइन। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता ये, तो वो लोगों वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं या अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बोल रहे हो सकते हैं कि यार वो उनका ये नेचर है ना, कभी कभी इनके लिए ना प्रॉब्लम बन जाता है, लोग इनको गलत समझ लेते हैं, ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पर व्यूवर्स यहाँ करेज का कार्ड है, तो वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि आप हिम्मत वाले बहुत हैं। अगर व्यूवर्स आप कितने भी पतले से हों, वीक हों, या फिजिकली कह रही हूँ कि ज़्यादा स्ट्रांग ना दिखते हों, या बहुत सारा आपका ग्रुप ना हो, बहुत बड़ा सर्कल ना हो, तो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई इश्यू क्रिएट हो जाएगा, तो भी आप आवाज़ उठा दोगे, आप डरोगे नहीं कि मैं यहाँ अकेला हूँ या मैं अपनी फिजिक देखूँ पहले, नहीं, आप आवाज़ उठाओगे गलत के लिए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, तो आप में हिम्मत बहुत है। 10 लोग अगर आपके अगेंस्ट खड़े हैं, तो भी आप अकेले भी आप अपने लिए बोल सकते हो, इवन अगर आप कुछ गलत होता हुआ देख रहे हो, तो भी आप बीच में आके बोल सकते हो, क्योंकि आप में करेज बहुत है। ठीक है, आप ऐसे इंसान रहे हो जो आगे आगे आके बोलते हो, ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको ओपिनियन है तो आप किसी और को अपना ओपिनियन बताओगे और फिर आगे के लोग आगे बताएंगे और आप पीछे रह जाओगे, नहीं, आप आगे आके अपनी बात रखते हो। और आपके पर्सन को ये बात अच्छी लगती है कि आप ये सब नहीं सोचते कौन बड़ा है कौन छोटा है, नॉट लाइक दैट कि आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं सोचते कि अगर कोई बड़ा है तो कोई गलत बात बोलता रहे और कोई छोटा है तो चाहे वो कितनी भी बात सही बोले हम उसकी बात को इग्नोर करें, नहीं, यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रखते हो सही को सही कहने की, गलत को गलत कहने की, तो आप में करेज बहुत है व्यूअर्स, हिम्मत वाले बहुत हो आप, डरते नहीं हो आप किसी से, और ये बात आपके पर्सन को आपकी अच्छी लगती है, और ये बात दूसरों से भी वो शेयर करते हैं कि इन्हें डर नहीं लगता किसी चीज़ से, ये बहुत ही ज़्यादा निडर है। ओके, कभी कभी यहाँ पर व्यूअर्स आपके साथ ऐसा होता है कि आप इमोशंस में बहकर दूसरों का इतना काम करवाने लगते हो, इतना काम करवाने लगते हो कि आपका कहीं ना कहीं लोग फायदा उठा लेते हैं, तो आपके पर्सन ये भी दूसरों को बोल रहे हैं कि लोग इन्हें ढेर सारा काम पकड़ा जाते हैं या इनसे अपना काम निकलवा जाते हैं और इनको पता भी नहीं लगता कि मेरा यूज़ हुआ है, लोगों ने मुझे काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो क्योंकि ये आपकी इनोसेंस है, क्योंकि ये आपका व्यवहार है कि आप इतने हंसमुख, इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, तो लोग आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन आपके पर्सन को नहीं पसंद कि अगर आप इनोसेंट हो तो आपकी इनोसेंस का कोई इस तरह से फ़ायदा उठाए कि अपने कोई चीज़ बोरो करनी है तो बोरो कर ले, कहीं आपको अपने साथ ले जाना है तो ले जाए, आपसे कुछ काम करवाना है तो करवा ले, और देन आप और जब आपको ज़रूरत हो तो आपके पास कोई ना हो, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि लोग अगर आपको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं और आपको इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप फिर भी उनके काम आते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो अगर ऐसे सोच रहा मेरे बारे में कि मैं काम निकाल रहा हूँ ये वो,
तो उसको सोचने दो यार, मेरा तो मेरा ऐसा कोई दिमाग में, मैं नहीं सोचती कुछ ऐसा। मैं अगर किसी की हेल्प ही हो रही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो आपका पर्सपेक्टिव यहाँ थोड़ा अलग हो सकता है। तो यही सारी बातें वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं। व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपसे यू नो आपको चाहे 1% रेजोनेट हुई है ये आपके फीचर्स से, आपकी क्वालिटीज से, आपके एट्रीब्यूट से। लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे, अगर ये क्वालिटीज या ये यू नो एट्रीब्यूट्स आपसे मैच नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आप ऐसे नहीं हो, लेकिन वो ऐसा अपने दोस्तों को बोल रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि ये आपके बारे में, आप रियल में कैसे हो उस बारे में नहीं है व्यूअर्स, ये उस बारे में है कि वो अपने दोस्तों को क्या बोल रहे हैं। तो आई होप ये आपसे थोड़ी बहुत रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है, इवन 1% भी हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है dreamtarot2021। ओके, और उस पर वही प्रोफाइल फोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा है। तो अगर आप चाहें सिर्फ, तो ही आप वहाँ मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।